और आपको बताऊँ ये जगह है एशिया के टॉप हॉन्टेड प्लेस के बिल्कुल पास। इस जगह से एशिया का टॉप हॉन्टेड प्लेस बिल्कुल साफ नज़र आता है। मैं आपको वहाँ पर ले जाकर आपको उस जगह के बारे में बताऊँगा, वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती के बारे में बताऊँगा, क्योंकि यह जगह भी एक प्रकृति की गोद में बसी हुई इतनी खूबसूरत जगह है, आप देखेंगे तो आपका मन भी करेगा यहाँ पर आने का। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए मैं अभी पैदल ही जा रहा हूँ वहाँ पर और आपको अभी बस कुछ ही देर में वहाँ पर आपको लेकर चलूँगा और बताऊँगा उस जगह के बारे में। तो दोस्तों आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं इस जगह पर पहुंच चुका हूं और मैं आपको अब इस जगह के बारे में बताता हूं। इस जगह के बारे में बताने से पहले मैं आपको यहां जो एंटर करते हैं वहां पर मुख्य दरवाज़ा दिखाता हूं और कैमरा स्विच करके आपको दिखाता हूं यहां पर क्या लिखा हुआ है और इस जगह का क्या नाम है। तो आइए मैं कैमरा स्विच करता हूँ, ये देखिए इस जगह का नाम। तो दोस्तों ये खूबसूरत जगह है श्री नारायण गौ संवर्धन संस्थान गोला का बास अलवर राजस्थान। ये देखिए यह एक गौशाला है, बहुत ही अच्छी गौशाला है, प्रकृति की गोद में बसी हुई है। तो मैं आपको इस गौशाला के अंदर लेकर चलता हूँ, इस परिसर में लेकर चलता हूँ। ये देखिए आप, मैं एंटर कर चुका हूँ, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। दूर दूर तक हरियाली है, बहुत सारे पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखे हैं और ये जो आप पास में देख रहे हैं यह है एक मंदिर है जो अभी इसका निर्माण चल रहा है। और भी मैं आपको लेकर चलता हूँ इस गौशाला के परिसर के अंदर और आपको बताता हूँ यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों मैं गौशाला परिसर में प्रवेश कर चुका हूँ और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुककर आपको यहाँ का चारों तरफ का दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे कितना खूबसूरत दृश्य है इस गौशाला परिसर का। आप पीछे देखेंगे चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और अब मैं आपको गौशाला परिसर के और अंदर लेकर चलता हूँ। चलते चलते मैं आपको यह बताता हूँ कि यह गौशाला जयपुर के रहने वाले महेश शर्मा जी द्वारा संचालित है। एक बार महेश जी जालौर गए थे, वहाँ पर पथमेड़ा गौशाला है, वहाँ पर उन्होंने गोवंश देखे और वहीं से उनको प्रेरणा मिली कि मैं भी गोवंशों की सेवा करूँगा, गौशाला खोलूँगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर गोला का बास अलवर में एक गौशाला का संचालन शुरू किया। देखते हैं यहाँ पर महेश जी हमें मिलते हैं या नहीं। ये देखिए कितना विहंगम दृश्य है यहाँ का, कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। और जैसा कि मैंने सोचा था कि महेश जी गायों की सेवा में लगे होंगे और अभी वास्तव में वो गायों की से अभी सेवा कर रहे हैं। वो देखिए सामने महेश जी हैं, अभी मैं उनके पास चलता हूँ। नमस्कार महेश जी, कैसे हो? कैसे हो सर? राधे राधे। ये हैं महेश जी और ये इस गौशाला का संचालन करते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे गोवंश चारों तरफ, ये गिर नस्ल के गोवंश हैं। अब हम महेश जी से बात करते हैं। दोस्तों ये है महेश शर्मा जी और ये मुख्यतः जयपुर के रहने वाले हैं और इनको जो प्रेरणा मिली थी गौशाला खोलने की, पथमेड़ा गौशाला है जालौर के अंदर, वहाँ ये गए थे और वहाँ से उसी दिन से इन्होंने संकल्प ले लिया कि ये भी गौशाला खोलेंगे और गौ सेवा करेंगे। तो महेश जी आपका स्वागत है और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आप जो इन गायों की सेवा करते हैं, आपको जो प्रेरणा मिली, आप मतलब आप जालौर गए तो उसके कितने दिनों बाद आपने इस गौशाला का संचालन शुरू कर दिया? क्या उसी दिन से आपने जाने के बाद संकल्प ले लिया था कि बिल्कुल मेरे को तो गौशाला खोलनी है? नीरज जी हम पथमेड़ा गौशाला गए, उसके जाने के हम कुछ दिन वहाँ रुके गौशाला में जी, तो हमको वहीं से प्रेरणा मिल गई कि हमें गौवंश का पालन करना है। एक संकल्प ले लिया कि हाँ गौ सेवा करनी है और आने के बाद में उसी के अकॉर्डिंग हम जैसे गौशाला के ज़मीन देखना चालू कर दिया, गौ नस्ल को लाना चालू कर दिया हमने और फिर ठाकुर जी कृपा हुई और जल्दी गौशाला संचालन यहाँ पे शुरू हो गया। महेश जी लंपी वायरस ने पूरे भारतवर्ष में कहर बरपा रखा है, इससे बचाव के लिए आप अपने गौवंश को किस प्रकार से, आप गौवंश को इस लंपी वायरस से बचा रहे हैं?
नीरज जी, देखिए अभी चारों तरफ प्रकोप फैल रहा है लंपी वायरस का जी। हमारी गौशाला के गौसेवक और हम सभी लगे हुए हैं गौशाला में लंपी वायरस का प्रकोप नहीं बढ़े, और अभी ठाकुर जी कृपा है कि सभी गौ माताएं हमारी लंपी वायरस से एकदम सुरक्षित है, किसी तरह का कोई प्रकोप अपनी गौशाला में यहाँ नहीं फैला हुआ है। इसके लिए हम सुबह शाम स्प्रे करते हैं फिटकरी के पानी का, उसमें हल्दी के पानी स्प्रे करते हैं, साथ में हम लोभान का और नीम के पत्तों का धूना करते हैं गोबर के कंडों में। इसके अलावा सुबह शाम हम गौ माता को यहाँ पे औषधि लड्डू खिला रहे हैं, जिसमें काली मिर्च सौंठ हो गई, काला जीरी हो गई, उसमें गुड़ में मिलाकर उसको हम उसको लड्डू को रोज़ गौ माता को खिला रहे हैं, ताकि लंपी वायरस से हमारी गौ माताएं बची रहे, और कभी अभी कृपा ठाकुर जी की किसी तरह का कोई प्रकोप हमारी गौशाला में लंपी वायरस का नहीं है। दोस्तों, महेश जी हैं जो कि लंपी वायरस से गायों को बचाने के लिए ये नीम का और फिटकरी के पानी का यहाँ पर छिड़काव करते हैं और अनेक प्रकार की औषधियाँ इनको देते हैं। तो दोस्तों, हम आपको गौशाला के बारे में और भी बताते हैं, आपको मैं गौशाला का पूरा यहाँ का दृश्य आपको दिखाता हूँ। चलिए तो मेरे साथ बने रहिए, आप इस वीडियो में आप देखते रहिए। दोस्तों, गौशाला परिसर के अंदर यहाँ पर ही अधिकतर गायों को रखा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये पात्र बने हुए हैं, यहाँ पर इनमें चारा डाला हुआ है और यहीं पर गायें चारा खाती हैं। सुबह शाम यहाँ पर इनको रखा जाता है, उसके बाद चारा खाने के बाद उनको बाहर की तरफ खुले में छोड़ दिया जाता है। जो गौशाला परिसर है उसी के अंदर खुले में छोड़ दिया जाता है, ताकि वे धूप में बैठ सकें और इधर उधर थोड़ा बहुत विचरण कर सकें। ये देखिए आप, यहाँ पर इतने सारे गौवंश हैं, यहाँ पर कुछ बैठे हैं और कुछ इधर उधर विचरण कर रहे हैं, आप देखिए। और यहाँ पास में ही इनको, इनके बछड़ों को, इनके बच्चों को रखने के लिए एक छोटा सा ये इनका घर बना रखा है। इसमें सभी इनके छोटे बछड़े हैं, बच्चे हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है धूप से बचाव के लिए और बारिश के बचाव से लिए। ऊपर ये आपने घास फूस का ये छप्पर इन्होंने लगा रखा है, ये देखिए। दोस्तों, आप भी यहाँ पर आएँ तो एक बार ज़रूर यहाँ गौशाला में आकर जाएं और गोवंशों के दर्शन करके ज़रूर जाएं। राधे 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 हो राधे 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 हो राधे 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 हो राधे राधे। गौशाला परिसर में ये कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखी हुई हैं, महेश जी आप इन दवाइयों के बारे में कुछ बताइए। नीरज जी, कभी कोई हमारी गाय बीमार पड़ती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दें, इन्हीं से गायों का इलाज करें। तो यहाँ पे मुख्यतया अश्वगंधा है, सुआ बीज है, सरसों के बीज है, बड़ी इलायची, बाई बड़ंग, गिलोय, आंवले का चूर्ण, खेपरा की छाल, सौंठ, ताल मखाना, गर्दुम्बा, जिया घास, काला जीरी, काफ़ी तरह की ऐसी औषधियाँ हैं और हम कोशिश करते हैं कि इन्हें आयुर्वेदिक औषधियों से गायों का इलाज किया जाए। दोस्तों, पूरे राजस्थान में लंपी वायरस ने बहुत बुरा कहर बरपा रखा है और इस कहर से बचने के लिए यहाँ श्री नारायण गौ संवर्धन संस्थान के अंदर औषधियाँ तैयार की जा रही हैं, और ये औषधि तैयार होने के बाद यहाँ पर जो गोवंश हैं पूरी गौशाला के अंदर उनको तो खिलाया ही जाएगा, साथ में जो गोवंश गौशाला के बाहर हैं उनको भी औषधि दी जाएगी, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ श्री नारायण गौ संवर्धन संस्थान में एक भी गोवंश लंपी वायरस की चपेट में नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव के लिए यहाँ पर औषधियाँ इनको दी जा रही हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, महेश जी इन औषधियों को तैयार कर रहे हैं। अब मैं कैमरा स्विच करूँगा और आपको बताऊँगा और इनसे पूछूँगा कि इसमें क्या क्या मिलाया जाता है इस औषधि के अंदर। महेश जी, आप इसमें औषधियाँ जो बनाते हैं इसमें क्या क्या मिलाते हैं? इसमें नीरज जी, बाजरे के आटे में हम इसमें काला जीरी, काली मिर्च, सनाई पत्ती, सौंठ
और इसमें हल्दी, आंवले का चूर्ण, गिलोय, इस सभी का मिश्रण इसमें मिलाते हैं और इसके लड्डू बनाकर हम गौ माता को खिलाते हैं। अभी गौशाला की तरफ से एक अभियान चलाया गया है, सभी गौ माताएँ जो बाहर घूमती है गौशाला के बाहर, उन सबको लड्डू दिया जाएगा। ये देखिए, जो अभी लड्डू तैयार किए थे औषधि के रूप में, वो गौशाला परिसर में, वो महेश जी द्वारा यहाँ पर अभी गोवंशों को गौशाला परिसर में खिलाए जा रहे हैं। कुछ देर बाद ये बाहर जो गोवंश हैं उनको भी लड्डू खिलाए जाएंगे। ये सारे जो गोवंश हैं गिर नस्ल के गोवंश हैं, एक ही नस्ल के गोवंश यहाँ पर हैं, इनका संवर्धन यहाँ पर किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। दोस्तों, गौशाला परिसर में आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, जो बहुत बड़ा घर बना हुआ है पीछे, ये गायों के लिए चारा रखने का घर है। इसमें गायों का चारा रखा जाता है और मैं आपको इस चारा घर के अंदर लेकर चलूँगा और बताऊँगा अंदर का व्यू कैसा है। चलिए मेरे साथ। देखिए, मैं चारा घर के अंदर आपको लेकर चलता हूँ। मैं बस अंदर आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ चारा घर का। और ये देखिए, चारा घर में गायों के खाने के लिए चारा रखा हुआ है यहाँ पर, और पास में ही गायों की औषधियाँ, गाय का बाँट, और यहाँ पर पास में चारा काटने की मशीन है, जो हरा चारा काटा जाता है इससे, ताकि गायों में कैल्शियम की कमी ना हो। हरा चारा इसलिए खिलाया जाता है कि कैल्शियम की कमी ना हो। आप देखिए, चारा काटने की मशीन है और अनाज पीसने की, आटा बनाने के लिए मशीन यहाँ पर लगाई हुई है। दोस्तों, अभी मैंने आपको चारा घर अंदर से दिखाया और अब मैं आपको चारा घर है उसके जस्ट पीछे लेकर चलूँगा। चारा घर के पीछे आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसके नज़दीक है एशिया का टॉप हॉन्टेड प्लेस भानगढ़। इस चारा घर के पीछे जो दीवार है वहाँ से नज़र आता है भानगढ़ का किला, जो कि एशिया का टॉप हॉन्टेड प्लेस है। मैं आपको वहाँ पर पीछे लेकर चलूँगा और आपको वहाँ से भानगढ़ किले का व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। एक व्यू मैं आपको वहाँ पीछे से दिखाऊँगा और दूसरा व्यू जो ये मैंने कैमरा स्विच किया है पीछे की तरफ, पीछे एक कमरे बने हुए हैं वहाँ के ऊपर से, जहाँ से एंट्री गेट है, एंट्री गेट के पास में ही कमरे बने हुए हैं, वहाँ से मैं ऊपर छत के ऊपर जाकर आपको भानगढ़ के किले का व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो मैं इस चारा घर के जस्ट पीछे जाकर जो लास्ट जो दीवार बनी हुई है वहाँ से आपको भानगढ़ का किला दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यह पूरा पीछे का क्षेत्र है जो सरिस्का वन क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कई बार पैंथर का भी मूवमेंट रहता है। तो आइए मेरे साथ चलिए। दोस्तों, ये चारा घर है, इसके जस्ट पीछे आप जो पहाड़ देख रहे हैं, यह पहाड़ सरिस्का वन क्षेत्र में आता है, और जो एशिया का टॉप हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ है वह इसी की तलहटी में बसा हुआ है। और जो गौशाला परिसर है उसकी जो दीवार है, अंतिम दीवार है, वहाँ से एशिया का टॉप हॉन्टेड प्लेस भानगढ़, उसका किला नज़र आता है। मैं आपको वहाँ पर जाकर दिखाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो गोबर आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो गोवंशों का गोबर है, और ये टीन शेड लगे हुए हैं, यहाँ पर कैंचवा खाद का निर्माण किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर कैंचवा खाद का निर्माण इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक जो खाद है इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। जो आपको ये खेत में फसलें दिख रही हैं गौशाला परिसर में, इसमें रासायनिक खादों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता, और केवल कैंचवा खाद और गोबर की खाद का उपयोग करके इन फसलों को तैयार किया जाता है, ताकि गोवंशों को स्वस्थ रखा जा सके। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गौशाला परिसर के चारा घर के पीछे, जो दीवार है अंतिम दीवार, वहाँ से भानगढ़ का जो किला है नज़र आता है, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मैं गौशाला परिसर में चारा घर के जस्ट पीछे आ चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगा एशिया का टॉप हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ का किला। यहाँ से भानगढ़ का किला
साफ नज़र आता है, और मैं आपको जूम करके बताऊंगा, और भानगढ़ की स्टोरी मैं आपको मेरे आने वाले अगले व्लॉग्स में ज़रूर बताऊंगा। अभी तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ यहाँ पर जूम करके कि यहाँ से एशिया का टॉप हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ दिखाई देता है। मैं कैमरा स्विच करता हूँ और आपको बताता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से जूम करके बताऊँगा, भानगढ़ का किला साफ नज़र आ रहा है, यह एशिया का टॉप हॉन्टेड प्लेस बताया जाता है। दोस्तों आपको दिख गया होगा ये भानगढ़ का किला, यही है एशिया का टॉप हॉन्टेड प्लेस। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि रात में किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों हम फिर से लौट चलते हैं गौशाला की और गौशाला परिसर में, तो मैं आपको और भी चीज़ें आपको वहाँ पर चलकर बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको अभी दिखाया भानगढ़ का किला जो कि गौशाला परिसर से साफ नज़र आता है। अब मैं आपको गौशाला परिसर में एक भवन बना हुआ है उसके ऊपर से भी आपको भानगढ़ के किले का व्यू आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको गौशाला परिसर में जो बगीचा लगा हुआ है, यहाँ पर अनेक प्रकार के फल और औषधीय पौधे लगे हुए हैं, उनके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा। ये देखिए मेरे पीछे जो लगा हुआ है ये बगीचा है, और यहाँ पर फसलें भी हैं और औषधीय पौधे भी इन्होंने लगा रखे हैं। तो मैं कैमरा स्विच करके आपको इन सभी पौधों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ये है बगीचा गौशाला का, यहाँ पर अनेक प्रकार के औषधीय पौधे, फलों के पौधे, पेड़ वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर कई प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये आंवले का पेड़ है, यहाँ पर आंवले इसमें साफ नज़र आ रहे हैं। आंवले के साथ में यहाँ पर गिलोय है, अनार है, चीकू है, बिल्व है, अमरूद है, अंजीर है, जामुन है, नीम है, नींबू है और अर्जुन है। इस प्रकार से अनेक यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और मैं आपको यहाँ का पूरा नज़ारा इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। ये देखिए अनार का पेड़, इसमें अनार भी आ रहे हैं। पास में नीम का है, वापस सबसे ज़्यादा यहाँ पर आंवले के पेड़ लगा रखे हैं। यहाँ पर लगभग सभी पेड़ों में आंवले आ रहे हैं, और सामने ये आप झोंपड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर रोज़ाना सत्संग किया जाता है। अब मैं आपको लेकर चलूँगा ये जो सामने आप भवन देख रहे हैं इसके ऊपर छत पर, और इस छत के ऊपर से मैं आपको गौशाला परिसर का पूरा विहंगम दृश्य आपको दिखाऊँगा। ये मैं आपको नीचे यहाँ से दिखा रहा हूँ, अब उस कमरे के ऊपर जाकर, उस भवन के ऊपर जाकर मैं आपको यहाँ का पूरा ऊपर का दृश्य आपको दिखाऊंगा, जो बहुत ही मनोरम दृश्य है, विहंगम दृश्य है, खूबसूरत दृश्य है। और वहाँ से मैं आपको भानगढ़ का किला भी एक बार फिर से जूम करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गौशाला परिसर में बने भवन के ऊपर, और अब मैं आपको यहाँ से गौशाला परिसर का पूरा व्यू आपको यहाँ से दिखाऊंगा, साथ में आपको दिखाऊंगा भानगढ़ का किला, जूम करके आपको यहाँ से भानगढ़ का किला मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी आप देखिए गौशाला का यह पूरा ऊपर से विहंगम दृश्य, कितना खूबसूरत यह दृश्य है। मैं आपको कैमरा स्विच करके भी पूरा यह नज़ारा आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आप भी यहाँ पर ज़रूर आएँ, इतना अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आकर, आपको मन को सुकून मिलेगा, आपको यहाँ पर शांति मिलेगी। प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा यहाँ पर, और हो सके तो यहाँ पर आप गौशाला में सहयोग भी करें। ये देखिए दोस्तों मैंने कैमरा स्विच कर दिया है, और कितना खूबसूरत ये दृश्य है, कितने सारे यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये देखिए सामने ये गौशाला परिसर में बना मंदिर है, वो मेन गेट है, और ये यहाँ का बगीचा है जिसमें छायादार पेड़ और औषधीय पेड़ लगे हुए हैं। साथ में ये आप पास में ये झोंपड़ी बनी हुई देख रहे हैं, यहाँ पर रोज़ाना सत्संग होता है। दोस्तों ऐसी जगह पर आप एक बार ज़रूर आएं, क्योंकि मुझे आकर तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पर मन को एक अलग ही आनंद मिलता है, और शांति सुकून यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ भानगढ़ का किला यहाँ से
जूम करके, ये जो गौशाला परिसर में जो चारा घर बना है उसके जस्ट पीछे की तरफ है भानगढ़ का किला। मैं आपको देखिए जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने जूम कर दिया है और ये भानगढ़ का किला, ये चारा घर है उसके जस्ट पीछे आप देख रहे हैं, ये है भानगढ़ का किला। यही है एशिया का टॉप हॉन्टेड प्लेस। अब मैं आपको फिर से जूम आउट करके वापस गौशाला में ले आता हूँ और आपको इस भवन के नीचे वापस लेकर चलता हूँ। दोस्तों, आज मैंने सारा दिन गौशाला में व्यतीत किया। मुझे यहाँ पर रुककर बहुत अच्छा लगा, यहाँ का व्लॉग मैंने बनाया, बहुत ही मुझे सुकून मिला यहाँ पर, शांति मिली और मुझे यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। महेश जी के साथ मैंने गौ सेवा की और मैं यहाँ से बहुत ही अच्छी यादें लेकर जा रहा हूँ। लेकिन शाम का वक्त हो चुका है, मुझे जाना भी ज़रूरी है, नए सफ़र का आगाज करना है, आपको नई नई जगह पर लेकर जाना है। अब जाते जाते मैं महेश जी से बोलूँगा कि आप गौ सेवा को लेकर हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं। नीरज जी, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपने जो यहाँ पर समय दिया, अपने अमूल्य समय दिया, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और विनती आपसे यही करते हैं कि टाइम टाइम पर आप गौशाला में आते रहना। आपके जो परिचित है उनसे भी निवेदन करना कि गौशाला में आए, अपने हाथ से सेवा करें। आपने जो बात पूछी कि गौ माता के बारे में कोई जानकारी, तो नीरज जी मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, वो मैं आपके साथ में, अपने दर्शकों के साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक बार लक्ष्मी जी ने अपने स्वामी श्री वैकुंठनाथ से पूछा कि है स्वामी, आपके यहाँ वैकुंठ में हर तरह की संपत्तियाँ, सिद्धियाँ, निधियाँ सब विराजमान हैं, तो फिर आप बार बार धरती पर अवतार क्यों लेते हो? तो श्री वैकुंठनाथ ने कहा कि हे लक्ष्मी, मेरे दो ही कारण हैं धरती पर अवतार लेने के। पहला कारण है मैया और दूसरा कारण है गैया, गौ माता की सेवा। तो आप देखिए, राम जन्म जब हुआ तब राम जी ने सुमित्रा, केकई, कौशल्या तीन तीन माताओं को सुख पाया, और वही सुख कृष्ण जन्म में देवकी माता से और यशोदा माता से पाया। राम जन्म में काफ़ी लोगों को पता नहीं है, जब राम जन्म हुआ तो दशरथ जी ने काफ़ी असंख्य गौ माता का दान दिया था, और जब उनका विवाह हुआ राम जी का, तब भी दशरथ जी ने काफ़ी लाखों में गौ माता का ब्राह्मणों को दान किया था। और कृष्ण जन्म के बारे में तो सब परिचित है ही, कृष्ण जन्म होते ही उनके पूरे जीवन में गौ माता का विशेष महत्व रहा है। तो यही कारण था कृष्ण जन्म राम जन्म का कि गौ की सेवा हो। तो जब हमारे भगवान, हमारे आराध्य देव धरती पर अवतार लेकर गौ माता की सेवा कर सकते हैं, तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए। ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें गौ सेवा करनी है। एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा, गौ माता के चार थन होते हैं। पहला थन होता है गौ माता के बच्चे के लिए, बिल्कुल पहला थन का अधिकार गौ माता के बच्चे के लिए होता है। दूसरे थन का अधिकार होता है गौ सेवक के लिए, जो गौ माता की सेवा कर रहा है, 24 घंटों वो गौ माता की सेवा में लगा हुआ है, तो दूसरे थन का अधिकार गौ सेवक को है। तीसरा थन का अधिकार ठाकुर जी ने अपने पास रखा है, आपके जो भी आराध्य है, आपके लड्डू गोपाल जी, जो आपके ठाकुर जी आपके विराजते हैं, उनको भोग लगाया जाता है तीसरे थन का। चौथा थन होता है वो जनमानस के लिए होता है। तो भगवान ने भी अपने को तीसरे नंबर पर रखा है, पहला नंबर दिया है गौ माता के बच्चे को, और दूसरा दिया है गौ सेवक को, और उनके बाद में अपना नंबर रखा है। देखिए, ठाकुर जी ने खुद को बाद में रखा है, पहले गौ सेवक को रखा है। तो जिनके आराध्य गौ माता, वो गौ सेवक, वो ठाकुर जी के आराध्य हैं। तो आप आइए, गौ सेवा कीजिए, गौशाला में पधारिए, आपके पास जो भी गौशाला है वहाँ पर जाइए, अपने जो बच्चे हैं उनको साथ लेके जाइए गौ सेवा में, उनको अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो गौ सेवा कर सकें। और नीरज जी, आप बार बार आते रहना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको, धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, महेश जी ने कितना अच्छा संदेश दिया है हमें गौ माता को लेकर। हमें भी गौ सेवा करनी चाहिए, हमें यदि मौका मिलता है तो हमें इस गौ सेवा करने से हमें चूकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से महेश जी से विदा लेता हूँ, आपसे मिलूँगा अगले ब्लॉग में नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।